हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम के ऊपर। सो बी विद मी बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आप लोगों को ये पता लगेगा कि नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाता है और क्या इसका फ़ायदा है और कब कब और किस कंडीशन में ये इनऑपरेटिव रहता है या फिर इसका क्या इफ़ेक्ट है जो हम इसको यूज़ करते हैं अपने एयरक्राफ्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में या इस पिक्चर में कि तीन टैंक दिखाए हुए हैं, तो ये तीनों फ्यूल टैंक्स हैं। जो आप येलो कलर से बाउंड्री देख रहे हैं वो मेरा सेंटर टैंक है और इधर लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हैं वो मेन टैंक नंबर 1 एंड मेन टैंक नंबर 2। सो एयरक्राफ्ट में तीन फ्यूल टैंक्स रहते हैं। मेन टैंक नंबर 1 दैट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट विंग एंड मेन टैंक नंबर 2 दैट इज लोकेटेड इन द राइट विंग एंड सेंटर टैंक इज लोकेटेड इन द फ्यूजलेज। नाउ ये जो नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम है ये लीड एयर लेके इंजन से उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में एंड वो नाइट्रोजन को ये सेंटर टैंक में डालता है और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके ओवरबोर्ड कर देता है, बाहर फेंक देता है एटमॉस्फेयर में। अभी हम इस नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ सेंटर टैंक में ही क्यों करते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ही आपको दिख रहा है कि जो येलो कलर से बॉर्डर लाइन है वो सेंटर टैंक को इंडिकेट कर रही है। द एरिया और द कैपेसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टैंक इज मच हायर कंपैरेटिव टू द मेन टैंक नंबर 1 एंड मेन टैंक नंबर 2। यानी कि सेंटर टैंक की फ्यूल कैपेसिटी कंपैरेटिव टू मेन टैंक्स के ज़्यादा रहती है इसलिए। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि सेंटर टैंक में ही सारे फ्यूल पंप्स का लोकेशन है, तो सारे पंप्स ऑपरेटेबल हैं जो कि सेंटर टैंक में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, फ्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंजन में। तो इनका कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑब्वियसली ओवरहीट या हीटिंग टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि कोई भी पंप अगर कंटिन्यूसली काम करेगा तो उसमें हीट डेवलप होगी, वो हीट हमारे फ्यूल में आग लगा सकती है। तो वो फ्लेमेबिलिटी टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग NGS सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा सीधा यही है कि फ्यूल में आग लगने से बचाएगा, सेंटर टैंक में आग नहीं लगने देगा। सेंटर टैंक चूँकि फ्यूजलेज के जस्ट नीचे ही रहता है और वहीं पे हमारे फ्यूजलेज में हमारे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो वहाँ पे अगर और फ्यूल टैंक में आग लगने का मतलब कि ऑब्वियसली पूरा एयरक्राफ्ट ही ख़त्म हो जाएगा। सो फॉर दैट इंटेंशन वी आर प्रेफरिंग नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम। अब इसको ऑपरेट किस कंडीशन में करते हैं? पहली चीज़, ये टेक ऑफ के समय ही काम करना शुरू करता है ऑटोमेटिकली। देर इज नो कंट्रोल फॉर NGS सिस्टम इन द कॉकपिट। ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करता है वंस आपके इंजन चालू हो जाते हैं और इंजन ब्लीड एयर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ये टेक ऑफ से ही अपना ब्लीड एयर लेना शुरू कर देता है, टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक ये काम करता है। आप चाहें तो NGS को ऑन ग्राउंड भी चला सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आजकल फ्यूल टैंक भी अच्छे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि फ्लेमेबल रेजिस्टेंट रहते हैं। वो आग लगने से पहले ही प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। इवन पंप्स भी जो हीट डेवलप करते हैं उसके लिए भी हम लोग फ्यूल को कंटिन्यूसली फ्यूल पंप्स को कंटिन्यूसली कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए देयर आर लेस चांसेस कैचिंग अ फायर इन द फ्यूल टैंक। नाउ दिस NGS सिस्टम कैन बी शट ऑफ ऑटोमेटिकली अंडर सम कंडीशन। आई विल डिस्कस ओनली टू। वन इज अगर कोई भी एक इंजन आपका बंद हो गया या फेल हो गया। अगर एक इंजन फेल हो गया, कोई भी एक इंजन काम कर रहा है, तो NGS का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। द रीजन इज क्योंकि NGS हमारा ब्लीड एयर लेता है दोनों इंजन से और वो ब्लीड एयर को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके ओवरबोर्ड कर देता है। यानी कि हमारा NGS दोनों इंजन से ब्लीड एयर लेके काम कर रहा है, तो अगर एक भी इंजन बंद हो जाता है तो हम इसको नेसेसरी नहीं समझते कि इसमें एक ही इंजन से ब्लीड एयर दी जाए, क्योंकि ब्लीड एयर का यूज़ हम लोग एंटीआइसिंग में भी करते हैं प्लस एयर कंडीशनिंग पैक्स में भी करते हैं। तो वो ज़्यादा कंपलसरी है
एज कम्पेयर टू हमारा एनजीएस सिस्टम का ऑपरेशन होना। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा लेफ्ट एयर कंडीशनिंग पैक अगर ओवरहीट हो जाता है तब भी एनजीएस काम करना बंद कर देगा। इसका रीज़न ये है कि लेफ्ट पैक के नियर ही हमारा एनजीएस सिस्टम लगा हुआ है, मतलब ओवरहीट टेंडेंसी ऑफ लेफ्ट एयर कंडीशनिंग पैक कॉजेस द एनजीएस टू इनऑपरेटिव और ऑटोमेटिक शटडाउन ऑफ एनजीएस, क्योंकि दोनों सिस्टम नियर बाय हैं। अगर जैसे ही ओवरहीट टेंडेंसी डेवलप होती है एयर कंडीशनिंग पैक में, लेफ्ट एयर कंडीशनिंग पैक में, तो एनजीएस अपने आप बंद हो जाता है। उसका भी यही रीज़न है क्योंकि ये दोनों पास में लगे हुए हैं और प्लस पैक भी हमारा ब्लीड एयर पे ही काम करता है। तो ये तो हो गए दो कंडीशन जो मैंने आपसे शेयर करी। इसके अलावा भी दो तीन कंडीशन और हैं जिसमें एनजीएस हमारा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। अब ये एनजीएस इतना कंपलसरी है क्या? क्या हम अगर हमारा एनजीएस ऑन ग्राउंड यानी कि जब हम फ्लाइट को स्टार्ट कर रहे हैं या हम टेक ऑफ करने वाले हैं या फिर हमारा ये फ्लाइट ऑपरेशन में है तो एनजीएस काम करते रहना चाहिए? तो आंसर इज नो। एक्चुअली एनजीएस अगर इनऑपरेटेबल भी है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, तब भी हमारा एयरक्राफ्ट अपनी फ्लाइट पूरी कर सकता है। इट इज नॉट दैट मच रिकमेंडेड और नॉट मच मैंडेटरी सिस्टम फॉर आवर एयरक्राफ्ट। बस इसका इतना इस्तेमाल करना है या इतना यूजफुल है कि ये एनजीएस हमारा नाइट्रोजन को सेंटर टैंक में डाल के, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो फ्लेमेबिलिटी को रिड्यूस करती है, ये इसका फंक्शन है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट में काम नहीं कर रहा है तब भी हम लोग अपने एयरक्राफ्ट को अपनी उसकी फ्लाइट पूरी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी सिस्टम, हर एयरक्राफ्ट में ज़रूरी नहीं है कि एनजीएस लगाई हो। अब इसके इंडिकेशंस की बात करूँ तो नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम का जो इंडिकेटर है वो लगा हुआ है राइट मेन व्हील वेल एरिया, वहाँ पे आपको नियर टू द APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट फायर हैंडल के पास में इसका इंडिकेटर मिलेगा, जिस पे तीन लाइट्स रहती हैं, ग्रीन, ब्लू एंड एम्बर। ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है कि NGS नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम इज फुल्ली ऑपरेशनल, मतलब पूरी तरीके से काम कर रहा है। अगर वो लाइट ब्लू है दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि NGS काम कर रहा है बट डिग्रेडेबल कंडीशन, मतलब खराब कंडीशन। थर्ड लाइट रहती है इसमें एम्बर। एम्बर इंडिकेट करती है कि एनजीएस आपका इनऑपरेटेबल, आपका एनजीएस काम नहीं कर रहा। अब अगर इन तीनों लाइटों में से कोई भी लाइट नहीं जल रही है दैट मीन्स अंडर अपना एनजीएस इनऑपरेटेबल है, उस कंडीशन में भी हमारा एनजीएस काम नहीं कर रहा अगर कोई इंडिकेशन नहीं देखते हैं आपको तो, क्योंकि एनजीएस का कोई भी इंडिकेशन आपको कॉकपिट में नहीं दिखता तो आप इसका पता भी नहीं लगा सकते whether it is working or not। So guys, मैं होप करता हूँ कि आपको नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी, और कुछ बचा होगा तो आई कवर दोज पॉइंट्स इन माई अनदर वीडियो। मैं एक बार छोटे सा समरी में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अपने एयरक्राफ्ट में तीन फ्यूल टैंक रहते हैं, मेन टैंक नंबर 1 विच इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट विंग, मेन टैंक नंबर 2 विच इज़ लोकेटेड इन द राइट विंग, और सेंटर टैंक जो कि फ्यूजलेज में रखा है। सेंटर टैंक में सारे के सारे फ्यूल पंप्स हैं, यानी कि 6 फ्यूल पंप सेंटर टैंक में, तो सेंटर टैंक में पंप कंटिन्यूसली ऑपरेट हो रहे होंगे तो वो हीट जनरेट कर सकते हैं। उस हीट की वजह से फ्लेमेबिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। उस फ्लेमेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम हमारा नाइट्रोजन ट्रांसफ़र करता है सेंटर टैंक के अंदर, ताकि फ्लेमेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। और वो नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करता है? जो कि ब्लीड एयर इंजन से आ रही है, उस ब्लीड एयर को कैटालिटिक कन्वर्टर में भेज के ऑक्सीजन को ओवरबोर्ड यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है और बाकी नाइट्रोजन को सेंटर टैंक में डालता है। इस तरीके से हम लोग सेंटर टैंक में जो फ्यूल है उसको बचा कर रखते हैं, और आप देख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ सेंटर टैंक इज मच मोर हायर देन टू द मेन टैंक। तो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ एनजीएस सिस्टम, नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम। दिस मच फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू गाइज गॉट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम। थैंक यू एंड बी विद मी ऑलवेज। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज mention some comments, and also
I should say, sub subscribe my channel, and thanks a lot. This diagram